अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना यासिर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बिकॉज यू डिजर्व अ बेटर लाइफ। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, इससे मुराद है आपके सोचने के गलत अंदाज। जब हम किसी भी हवाले से गलत अंदाज में सोचते हैं तो हमारा जहन परेशान होता है, और जब जहन परेशान होता है तो उसके नतीजे में कई जहनी परेशानियों को फेस करना पड़ता है, जैसे कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओसीडी और बहुत सी बीमारियां। तो इन बीमारियों से बचने के लिए हमें अपने सोचने के अंदाज को बदलना पड़ता है। आज हमने जिस कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन पर बात करनी है वो है ओवर जनरलाइजेशन, यानी एक दफ़ा या कुछ दफ़ा कोई ऐसी बात हुई जिसको बेस बनाकर आपने ये सोचा कि मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, या मेरी किस्मत में शायद ऐसा ही है। मिसाल के तौर पर आप कहीं जा रहे हैं, आपको कहीं जल्दी पहुंचना है और आपकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। आपके जहन में ये सोच आती है कि ओहो, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, जब भी कहीं जाना होता है कोई ना कोई मसला आ जाता है, अब देखो ये टायर पंक्चर हो गया। अब इस सोच ने आपको परेशान किया, आपको टायर तो चेंज करना ही था, लेकिन साथ साथ जहन में आपके ये बात जब आई तो इसने आपको परेशान करना शुरू कर दिया, और आपने पिछले वाक़यात को सोचना शुरू कर दिया कि उस वक्त ये हुआ था, उस वक्त वो हुआ था, और उसके नतीजे में आपका जहन इस बात पर ज़्यादा पुख्ता होता चला गया कि मेरी किस्मत ही ख़राब है, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। और ऐसी ही सोच हमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी और इसी तरह कई और दूसरे इश्यूज का शिकार बना देती है। और फिर जब हम जहनी परेशानियों का शिकार हो जाते हैं तो उस वक्त पर हमें या तो मेडिसिन या फिर थेरेपी की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप अपने सोचने के अंदाज़ को पहले ही बदल लें तो फिर मसाइल इतने नहीं बढ़ेंगे कि आप परेशान हो जाएं। एक और मिसाल लेते हैं एक बच्चे की, जिसको एक प्रोग्राम बहुत पसंद है। अब क्या होता है कि वो प्रोग्राम देखने के लिए बैठा हुआ है और बिजली चली जाती है और बच्चा रोना शुरू हो जाता है। वो कहता है, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, जब भी मैंने ये प्रोग्राम देखना होता है तो बिजली चली जाती है या कोई ना कोई इशू हो जाता है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं बुरा हूँ, मेरे साथ इस तरह से जब होता है तो इसका मतलब है अल्लाह ताला मेरे से नाराज़ हैं, क्या वजह है, क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, मेरी किस्मत इतनी ख़राब क्यों है। अब ये सोच अगर बच्चे के जहन में आई और इसी सोच के तहत वो हमेशा सोचता चला गया तो फिर वो बड़ा होकर जहनी परेशानियों का शिकार हो जाएगा, और फिर नतीजा वही निकलेगा कि कोई बड़ी परेशानी उसके ऊपर हावी हो जाएगी, जैसे कि कई लोग इस सोच की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। एक और मिसाल लेते हैं कि एक स्टूडेंट है जिसको आइसक्रीम बहुत पसंद है, और वो अपनी यूनिवर्सिटी के पास ही एक आइसक्रीम पार्लर से अक्सर खाती है। तो क्या होता है कि एक दिन जब वो जाती है तो देखती है उसका पसंदीदा फ्लेवर जो था वो मौजूद नहीं है, और उसका जहन फौरन ये सोचता है कि मेरा पसंदीदा फ्लेवर सिर्फ नहीं होना था, इतने फ्लेवर्स हैं, सिर्फ यही फ्लेवर नहीं होना था, मेरी किस्मत इतनी ख़राब है, मेरे साथ अक्सर यही होता है, जो चीज़ मुझे पसंद होती है वो मुझे नहीं मिलती है। तो ये सोच उसकी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, और इसके नतीजे में वो इतनी परेशान हो जाती है कि उससे अपनी यूनिवर्सिटी के काम नहीं होते, वो फ्रेंड्स के साथ लड़ना शुरू हो जाती है, उसको गुस्सा आना शुरू हो जाता है, उसको लगता है कि उसकी ज़िंदगी में इसी तरह से हमेशा होगा कि जो कुछ उसे पसंद होगा उसे वो नहीं मिलेगा। और इस सोच के तहत अगर वो इसी तरह से सोचती चली जाएगी तो फिर उसको कुछ ही अरसे में डिप्रेशन या एंग्जाइटी या कोई और साइकोलॉजिकल इशू फेस करना पड़ सकता है। तो इन मिसालों से हमें पता चलता है कि हमारी जहनी परेशानियाँ हमारे जहनी मसाइल और जहनी बीमारियों की तरफ हमें लेकर जाती हैं। तो इन परेशानियों को जिस वक्त पर वो हो रही हैं उसी वक्त पे हल करना ज़रूरी होता है, लेकिन हल करने के लिए इनको समझना ज़रूरी होता है। जैसे कि आपको अगर पता हो कि अगर मैं ओवर जनरलाइज करूँगी,
अगर मुझे ऐसी सोच आएगी कि मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है या मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होगा, तो ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, ये सोचने का गलत अंदाज है और मुझे ऐसा नहीं सोचना, तो फिर आप अपनी सोच को बदलना शुरू हो जाओगे। सोचने का स्टाइल जब आप बेहतर बनाओगे तो आप सोचोगे कि अच्छा हाँ कोई बात नहीं, अगर मेरा पसंदीदा फ्लेवर नहीं है तो मैं दूसरा फ्लेवर ले लेती हूँ। अगर आज मेरे पसंदीदा प्रोग्राम के वक्त पे बिजली चली गई तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर के बाद यूट्यूब पे देख लूँगी या मैं इस प्रोग्राम को देखने के लिए कोई और तरीका इख्तियार करूँगी। यानी हमने सॉल्यूशन फोकस्ड होके सोचना शुरू कर दिया और अपनी प्रॉब्लम का हल निकाला। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।